हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेचुरल डिलाइट बाय प्रीति। और आज मैं आपको कंपोस्टिंग का सबसे इजी तरीका बताने वाली हूँ। तो वो क्या तरीका है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बॉटल कंपोस्टिंग के बारे में बताने वाली हूँ कि हम बॉटल में किस तरह से कंपोस्ट बना सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। तो सबसे पहले एक प्लास्टिक की बॉटल ले लें और मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर को गर्म कर रही हूँ होल्स करने के लिए। आप किसी और मेथड से भी होल्स कर सकते हैं। इसके बेस में मैं होल्स कर रही हूँ, मतलब छेद कर रही हूँ। छेद करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकल जाए। देखिए, मैंने इस तरह से होल्स कर दिए हैं और साइड्स में भी कुछ होल्स कर दिए हैं। देखिए, जब चीज़ें डीकम्पोज होती हैं ना, किचन वेस्ट डीकम्पोज होता है, तो किचन वेस्ट में बहुत पानी होता है, वो बाहर निकल के आता है और उसको अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो स्मेल आने लग जाएगी या कंपोस्टिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो होल्स करना ज़रूरी है ताकि एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाए। अब यहाँ पे मैं बेस में ब्राउन पार्ट एज ए सोडस्ट यूज़ कर रही हूँ। इसका स्टिकर निकाल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, मैंने छोटी सी लेयर यहाँ पे, ऑलमोस्ट 1 इंच की लेयर मैंने ब्राउन पार्ट सोडस्ट की डाली है। आप कोकोपीट भी डाल सकते हैं, ड्राई लीव्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है वो डाल दें। उसके बाद मैं ग्रीन पार्ट यानी कि नाइट्रोजन का सोर्स, मतलब किचन वेस्ट डालूंगी। ये किचन वेस्ट अनियन पील्स, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर लें। अब एक एक करके क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा सा स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉल पार्ट्स में कट कर देते हैं, जिससे जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। जब छोटे छोटे पार्ट्स में होता है ना, तो डिकम्पोज जल्दी हो जाता है और हमारा जो कंपोस्ट है वो जल्दी रेडी हो जाता है। तो इस तरह से किचन वेस्ट को बहुत बड़े बड़े उसमें नहीं डालें, नहीं तो फिर क्या होता है, वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं होता है, स्मेल आने लग जाएगी, फ्लाइज आने लग जाएगी। तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे और प्रॉपर बैलेंसिंग रखेंगे ब्राउन पार्ट्स के साथ। देखिए, किचन वेस्ट होता है नाइट्रोजन का सोर्स, जिसको हम ग्रीन पार्ट भी बोलते हैं। कोकोपीट, सॉडस्ट, ड्राई लीव्स होते हैं ब्राउन पार्ट, जिसको कार्बन का सोर्स बोलते हैं। तो बस इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। एक बार हमको सबसे नीचे ब्राउन लेयर लगानी है, फिर किचन वेस्ट लगाना है, फिर से ब्राउन लेयर, फिर किचन वेस्ट, फिर ब्राउन, और लास्ट में हमेशा ब्राउन लेयर से एंड होगा। मतलब स्टार्टिंग भी ब्राउन से और एंड भी ब्राउन से, ये ध्यान रखना है। अगर आपको कभी भी आपको लगे कि आपका जो कंपोस्ट पाइल है या जिसमें आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सोगी हो गया है, तो आप उसमें ब्राउन पार्ट ज़्यादा ऐड कर दें, मतलब कोकोपीट सॉडस्ट ज़्यादा ऐड कर दें। देखिए, अब ये मेरा ऑलमोस्ट फिल हो गया है। धीरे धीरे जब ये दिख रहा है ना स्पेस, धीरे धीरे डिकम्पोज होगा तो नीचे आएगा, किचन वेस्ट वॉल्यूम में कम होता जाएगा तो हमें और स्पेस मिलता जाएगा। तो 2-3 दिन में अभी इसमें और कचरा डालती रहूँगी, अपना किचन वेस्ट और डालती रहूँगी। बस ये बॉटल पैक कर दी। अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आप कोई भी बड़ा गमला, जो भी आपके पास बड़ा गमला हो ना, अभी मैं तो ज़्यादा बड़े गमले यहाँ पे रख नहीं सकती, कुछ रीज़न है। तो मेरे पास अभी तुलसी वाला ही पॉट है, तो मैं इसी में दिखा रही हूँ आपको। और ये जो बॉटल आपको लगानी है, ये थोड़े मैच्योर प्लांट में लगानी है और थोड़ा सा रूट्स से दूर, एकदम रूट्स के पास में, जो आपका जो स्टेम है मेन स्टेम के पास में इस बॉटल को नहीं लगाएं, थोड़ा सा दूर लगाएं। क्योंकि जब इससे जो लिक्विड निकलेगा ना, वो थोड़ा सा हीट होगी उसमें, तो एकदम रूट्स के पास जाएगा या आपका पौधा बहुत छोटा सा होगा तो कहीं ना कहीं वो कहीं, मतलब इसकी हीट से ख़राब ना हो जाए, वो ध्यान रखें। तो थोड़ा मैच्योर प्लांट हो और थोड़ा बड़ा गमला हो जिसमें रूट्स से दूर, मतलब मेन स्टेम से आप दूर उसको लगा दें। तो बस इस तरह से मिट्टी को हटा के हमने थोड़ा सा गेप कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे बॉटल को फिट कर देते हैं। बस ये बॉटल इसी तरह से मिट्टी में दबी रहेगी, स्पेशली जहाँ से हमने होल्स किए थे वो सारे पार्ट मिट्टी में दबे रहेंगे, तो वहीं से जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो बाहर निकलता जाएगा, उसमें मिट्टी में मिक्स होता जाएगा और प्लांट को फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा। आपको जब भी ड्राई लगे आप थोड़ा सा इसमें वाटर स्प्रिंकल कर सकते हैं, इनफेक्ट इसमें थोड़ा सा वाटर भी डाल सकते हैं। जब इसके थ्रू वाटर जाएगा प्लांट में तो फर्टिलाइज़र ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा फास्ट करने के लिए मैं यहाँ पे डाइल्यूटेड जो छाछ होती है बटर मिल्क, वो ले रही हूँ, खट्टी छाछ वो ले रही हूँ। आप गोमूत्र, गोबर या ओल्ड कंपोस्ट, कंपोस्टी, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे थोड़ी सी कंपोस्टिंग फास्ट हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो चीज़ों को जल्दी डिकम्पोज करते हैं। बस अब इसको पैक करके रख दें। देखिए, बिल्कुल भी फ्लाइज आने की जगह ही नहीं है, फ्लाइज आ ही नहीं पाएगी। धीरे धीरे चीज़ें डिकम्पोज होएगी और प्लांट को न्यूट्रिशन देती रहेगी। अब यहाँ 3 से 4 दिन हो गए हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, धीरे धीरे डिकम्पोज हो गया है, अब ये अपने आप यहाँ पे स्पेस हो गया है। अब मैं आज थोड़ा सा और किचन वेस्ट फिल करूँगी इसके अंदर। तब तक मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जब भी आप ये प्रोसेस करें ना, आप ये ध्यान रखें कि टेरेस पे ही करें, मतलब छत पे या आपका गार्डन है बड़ा जहाँ पे धूप अच्छे से आती हो वहीं करें। इंडोर प्लांट्स में या फिर बालकनी में, ऐसे प्लांट्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है या एयर सर्कुलेशन बहुत नहीं होता है, वहाँ ये ना करें, क्योंकि वहाँ ये इतना जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा और मक्खी वगैरह और हो जाएगी अगर आप इसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे।
तो अभी स्टार्टिंग में आप अगर आपके पास टेरेस गार्डन है या जहाँ पे अच्छे से धूप आती है, बड़ी बालकनी है, ओपन बालकनी है, वहाँ करें। थोड़ी सी क्लोज बालकनी हो या जहाँ धूप नहीं आती वहाँ ना करें। बाकी आप धीरे धीरे जब करेंगे तो खुद ही आपको चीज़ें मतलब नई नई सीखने को मिलेगी कि आपको किस चीज़ को कैसे बैलेंस करना है। कंपोस्टिंग से बिल्कुल भी डरे ना, कंपोस्टिंग करते रहें। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कन्फर्म है कि रिप्लाई करूँगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। देखिए अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा ये ब्लैक होना स्टार्ट हो गया, वाइट फंगस भी दिख रही है हमको, क्योंकि ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया है। तो एक अच्छा साइन है कि हमारी चीज़ें डिकम्पोज हो रही है और ये धीरे धीरे प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी देगी। तो एक अपना प्लांट खुद ही खाना बना रहा है, उसने खुद ही अपना एक घर बना लिया कि चलो यहीं से मुझे खाना मिलता रहेगा। तो स्पेशली जो बड़े बड़े वेजिटेबल पोट्स हैं आपके, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपको बार बार फर्टिलाइज़र डालने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे और ध्यान रखेंगे कि वेजिटेबल वेस्ट आपका स्मॉल पीसेज में ही होना चाहिए, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे ना, तो आपको 2 महीने में ही कंपोस्ट मिल जाएगा, मतलब बॉटल में कंपोस्ट मिल जाएगा। और जब कंपोस्ट मिलेगा तो एकदम ब्लैक कलर का हो जाएगा, इसका वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, मतलब जैसे अभी आप पूरी बॉटल भर रहे हैं ना, तो जब डिकम्पोज हो जाएगा तो वॉल्यूम कम होता है, तो ऑलमोस्ट हाफ बॉटल आपका मिलेगा आपको कंपोस्ट। फिर आप उस कंपोस्ट को यूज़ करें अपने प्लांट्स के लिए। तो देखा ना अभी आपने कि कंपोस्टिंग कितनी इजीली हम बॉटल में भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें जगह की, सामान की, तो बहुत इजीली कंपोस्टिंग कर सकते हैं, बस कंपोस्टिंग करते रहें। तो इसके साथ ही मैं आप चीज़ बताती हूँ, आप चाहें तो इस तरह से जो बड़ा मुंह वाली बॉटल होती है ना, जिसका ब्रॉड माउथ होता है, वो भी आप ले सकते हैं, ताकि आप जब किचन वेस्ट में डालें तो थोड़ा इजीली डाल सकते हैं। इसके साथ ही आप इसको अपसाइड डाउन भी कर सकते हैं, लाइक ये वाली बॉटल है, आप इसको यहाँ से कट कर लें। मैं एक मिनट दिखाती हूँ आपको, जैसे ये बॉटल है तो आप इसको यहाँ से कट कर लें और ये वाला जो पार्ट है इसको मिट्टी में दबा दें, तो वैसा भी कर सकते हैं आप। लेकिन मुझे क्या लगता है, जब यहाँ से हम कट करके उसको जब वापस पैक करते हैं ना, तो वो अच्छे से पैक नहीं हो पाता, थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, इसलिए मैं ये वाला चूज़ करती हूँ कि बॉटल से क्या कैप से अच्छे से पैक हो जाता है। बाकी जो आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं, बस कंपोस्टिंग करते रहिए, प्लांट्स लगाते रहिए। ओके बाय, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।